वो लोग हमारे पास आकर गिड़गिड़ाएंगे, पैसा लेकर जिसको चाहे हम उसको अंदर करते, जिसको चाहे जिसको ना करें। जो ये ऑफिशियल्स जो होंगे जो इस एनआरसी के प्रोसेस को करेंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में होगा नहीं पूरे देश में, तो वो लोग बिल्कुल कम्युनल तरीके से चूज किए जाएंगे। उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भाई तुम लोगों का काम ये है। इंडिपेंडेंस से आसाम में ऐसा एक माहौल है जिस माहौल में हर रोज आसाम से फॉरेनर्स को भगाना ही इससे जाते रहते हैं, लेकिन कौन कौन फॉरेनर है उनको तो आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई नहीं करके आसाम का जितना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, आसाम का जितना रिलीजियस माइनॉरिटीज लोग हैं, उन लोगों का ऊपर दुलूप चला रहा है। ये बहुत लंबा बात होगा, मेरे 15 मिनट्स में मुझे अलर्ट किया है। फॉर्चुनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आसाम का इस मुद्दे को पिकअप किया। 2012 में आसाम सम्मिलित महासंघ बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था, और 2009 में आसाम पब्लिक वर्क्स बोल के एक एनजीओ ने एक पिटीशन फाइल किया था। उस आसाम पब्लिक वर्क्स जो पिटीशनर था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट से ये लोग मांग रहा था आसाम का भूटान रिसीव का। इसके जो तीन बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं, सबसे बुनियादी एस्पेक्ट और सबसे ज्यादा अहम मैं समझता हूं वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, दूसरा इसका सोशल एस्पेक्ट है, सामाजिक सतह पर एक एजेंडा है जिसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, और एक इसका और एस्पेक्ट भी बन गया है और वो है कम्युनल एस्पेक्ट, जो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है। एक बात ये कि इस वक्त जो हुकूमत मरकज में मौजूद है और बहुत सी स्टेट्स में भी उनकी हुकूमतें हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपनी हुकूमत और इख्तदार को मजीद बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान की आवाम की तवज्जो और उनका ध्यान रियल जो इश्यूज हैं आवाम के उनसे हटाकर ऐसे इश्यूज की तरफ वो लाना चाहते हैं, ताकि जो आवाम के मसाइल हैं, हकीकी मसाइल, उन पर गुफ्तगू करने मौका मिले और उसको दबाया जाए। आज का ये प्रोग्राम भी तकरीबन ऐसा ही लग रहा है, अगर ये इशू नहीं होता तो शायद हम हिंदुस्तान की गुर्बत पर बात कर रहे होते, या यहां के अनएम्प्लॉयमेंट पर बात कर रहे होते, हमारी इकोनॉमिक जो बदहाली है उस पर गुफ्तगू कर रहे होते। लेकिन इस तरह के इश्यूज को उठाकर और उनको जज्बाती बनाकर एक तरह से भारत की आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिशें हो रही है। जिन लोगों का मिजाज फासिस्ट मिजाज होता है और जो फासिस्ट तरीके अपनाते हैं, उनके जो अलग अलग तरीके हैं, उसमें एक तरीका यह भी है कि आवाम को हमेशा डर और खौफ में रखा जाए, आवाम को हमेशा भयभीत रखा जाए, और इस मामले में वो पूरी आवाम को डराने और खौफजदा करने और खौफजदा रखने की वो कोशिश करते हैं। और दूसरा तरीका फासिस्ट ताकतों का ये होता है कि वो आवाम को आपस में तकसीम करते हैं और बांटते हैं। ये काम भी इस एजेंडा के थ्रू करने की कोशिश की जा रही है,
एक इश्यू है जिसमें ये पता लगाया जाए कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क के लीगल सिटीजन्स नहीं है, उस इशू को भी समाज को बांटने और आपस में नफरत फैलाने और समाज में एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करने और बुरी पैदा करने का मार डालने के बाद उसके सर में थोड़ा सा होता है कि कौन है जिसको मैंने मारा, तो जाके लाश के पास जाता है, उसका ट्राउजर्स का बेल्ट खोलता है और सर पे हाथ मार के कहता है मिस्टेक हो गया। मंटो ये नहीं बताते कि मारने वाले का ईमान जथा क्या है और मरने वाले का क्या है, मगर पार्टीशन था, दिल्ली थी, तो बात साफ है। किस कॉन्टेक्स्ट में यह कह रहा हूँ कि मैं असम अक्सर जाता रहता हूँ और पिछले 50 साल से पत्रकार की हैसियत से, और जब से आंसू गणा परिषद आंसू फॉरनर्स as a lawyer.